मन पर मेरा मेरा जी पाटे काम नाइ साहब आपने मेरा जी मेरे अग्रस विद्वान साथी माधव साहब उदय साहब प्रवीण साहब विनय साहब और सभी विद्वान लोग जिनसे कि तुम मैं जवाब हूँ इसलिए मैं धन्यवाद भी दूंगा उनको भी मैं स्वयं उसका एक हिस्सा रहा हूँ और हूँ अभी चौबे साहब के साथ जुड़ा हूँ इसलिए चौबे साहब का ज़्यादा आभार करता हूँ क्योंकि वो हमको प्रोत्साहित करते रहते हैं राव साहब भी साहब के विराजर में है उनको प्रोत्साहित करते करते रहते हैं काम करने के लिए सिर्फ दो तीन बातें जो मेरे ध्यान में आई है तो हमारे इतिहास में ज़्यादा तो संस्कृति शब्द का आशय धर्म दर्शन साहित्य और कला इत्यादि से लेते हैं प्राय संस्कृति की सीमाओं में हम इन्हीं विषयों का सामूहिक अनुशीलन करते हैं संस्कृति का ये व्यक्तिपरक पक्ष ऐतिहासिक विवेचन हो सकता है किंतु संस्कृति के सामाजिक पक्ष की गणना के बगैर हमारी परंपराएं संस्कार त्योहार मेले इत्यादि समृद्ध है संस्कृति की जानकारी अभी भी रहती इन दोनों पक्षों का सार्थक समन्वय और सहयोग ही सच्ची संस्कृति है पूरा भारत जो तो सांस्कृतिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत मजबूत है लेकिन उसका जो हृदय स्थल है वो राजस्थान है और राजस्थान सबसे अधिक रंग रंगीला है यहाँ पर ये संतों महंतों यहाँ पर बीच में खड़ेवाल साहब बता रहे थे पुरातत्विक दृष्टि से पांडे साहब भी बिराजे हुए हैं यहाँ पर जैन बौद्ध इस्लाम सभी धर्मों का सामूहिक रूप से बराबर और सौहार्द रूप से विकास होता रहा है और ये शक्ति और भक्ति की धरती बनी बन गई है मीराबाई प्रताप थाना इन सबका यहाँ पर नाम है और मीराबाई का जो नाम सुबह भी आया था मीराबाई सबसे अधिक भक्ति में अग्रणी रही यहाँ पर अब स्थिति है कि जो सभ्यता है वो तो एक जड़ है सभ्यता नष्ट हो जाती है लेकिन जो संस्कृति है वो बराबर जीवित रहती है ऐसा बैठे हुए हमको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया यदि सभ्यता भी धीरे धीरे जो आठ सभ्यता का पतन लेकिन जो उसकी परंपरा को आज भी देखने को आती है शिव आज भी जिंदा है विष्णु आज भी जिंदा है वो जो परंपरा हमारी चल रही है वो सारी परंपरा सभ्यता नष्ट हो गई लेकिन सांस्कृतिक परंपराएं आज भी जीवित है वो किसी भी स्थिति में उनका परिवर्तित रूप हो सकता है लेकिन वो कभी खत्म होगी नहीं सांस्कृतिक परंपरा अब स्थिति है कि आज आधुनिकता के उस परिप्रेक्ष्य में जो अभी बात हो रही थी कि शादी कला कम हो रही है वो हो रही ये मैं मानता हूँ कि ये जो आधुनिकता की चमक में जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है उनकी रक्षा के लिए हमको आगे आना चाहिए हमारे यहाँ पर जो शिवग्राम मेले में एक अच्छा प्रयास हो रहा है लेकिन शिवग्राम मेले में हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा जिनकी आज चर्चा हुई है उनको अभी हमारा नहीं गया है इसलिए शिवग्राम मेले में उन जैसे शांति कला का है चाहे वो गीतों का है या और जो चीज़ें हैं उनको भी स्थान मिलना चाहिए हालांकि किया जा रहा है शिवग्राम मेले में लेकिन ये जो लोक परंपरा है लोकगीत आदि है और ये जो शांति कला है या गौरी नृत्य दूसरी जितनी भी सांस्कृतिक परंपरा है उनको उभारने के लिए सही तरीका ये है कि हम उन पुराने और सही कलाकारों को ला करके उनका प्रदर्शन क्या करें उनका आर्थिक पोषण भी करें अगर उनका आर्थिक पोषण भी होगा तो कलाकार आगे नहीं आएंगे इसलिए आर्थिक पोषण भी उनका आवश्यक है उनका आर्थिक पोषण हो और कला उसको बीच रखने का प्रयास तभी सार्थक हो सकता है मेरा निवेदन इतना ही है आपने मुझे अवसर दिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका